बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, ब्रेकिंग न्यूज। अंशकालिक अनुदेशक शिक्षा मित्र कस्तूरबा गांधी शिक्षक रसोईया आदि का 100% उज्ज्वल भविष्य, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। बताना चाहेंगे पूरा समाचार। जितेंद्र साही जी ने 100% विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये खबर प्राप्त हुई है। उनको उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्र अनुदेशक कस्तूरबा गांधी के शिक्षक रसोईया, मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा धैर्यतापूर्वक परिचय दें, धैर्यता का परिचय दें। अगले सप्ताह तक सरकार हम सबके मांगों पर शीघ्रता से विचार करने की संभावना है, विचार करेगी। शिक्षा मित्र अनुदेशक कस्तूरबा गांधी शिक्षक रसोईयों के उज्ज्वल भविष्य। अब खबर विस्तार से। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। पूरा समाचार शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। चलते हैं विस्तार पूर्वक समाचार सुनाते हैं। 100% विशिष्ट सूत्रों शिक्षा मित्र अनुदेशक कस्तूरबा गांधी के शिक्षक रसोईया, मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा धैर्यता परिचय दें। अगले सप्ताह से सरकार हम सबके मांगों का शीघ्रता से विचार करेगी और पूरा करने की उनकी संभावना है। साथियों, जितेंद्र शाही जो कि शिक्षा मित्र संघ से हैं, उन्होंने इस बात को ट्वीट के माध्यम से अपने ट्विटर पर सभी को मैसेज दिया है कि थोड़ा धैर्य रखें और अगले सप्ताह तक 100% सरकार हम सभी संविदा कर्मियों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रही है। और यहाँ पर एक और सूचना है अनुदेशकों से संबंधित। अंशकालिक अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के कोर्ट केस की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, जैसा कि आप जानते हो साथियों, ये सरकार के द्वारा ये सूचना उपलब्ध कराने के लिए लेटर लिखा गया है। मैं आपको आदेश दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आदेश जारी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ से ये पत्र है और ईमेल द्वारा इस पत्र को लिया गया है। सेवा में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, 12 नवंबर 2021 का ये लेटर है और विषय है अंशकालिक अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के कोर्ट केस की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। साथियों, महोदय महोदया, उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिकाओं की शासन स्तर से निरंतर समीक्षा की जा रही है। साथ ही ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि सरकार लगातार इन पर ध्यान रखे हुए और समीक्षा कर रही है। उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जनपद में सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक एवं शिक्षा मित्रों से संबंधित माननीय उच्च इलाहाबाद एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में आयोजित रिट याचिकाओं अवमाननावाद की अड़तन स्थिति को अवगत कराएं। ये उन्होंने सरकार ने ये लेटर लिखा है विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों के लिए। यहाँ पर प्रारूप है, प्रारूप एक है जिसमें पूरा डिटेल लिखकर भेजना है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के संबंध में। तो साथियों, यहाँ पर ये अंशकालिक अनुदेशकों के बारे में आप समाचार देख रहे हैं। शासन का आदेश है, ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के से संबंधित सूचनाओं को मांगा गया है। और आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के भविष्य को लेकर सरकार काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते तक कुछ अच्छी और बड़ी खबर शिक्षा मित्र अनुदेशक परिवार के लिए मिल सकती है। साथियों, और हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो भी हो जल्द हो, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है हमको अभाव भरी ज़िंदगी जीते हुए। साथियों, और हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जो लीडर्स हैं वो भी
लगातार अवगत करा रहे हैं कि अच्छा समाचार आने को है, सरकार अच्छा समाचार ज़रूर सुनाने वाली है अगले सप्ताह। बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारे चैनल को, अंदेश और शिक्षा मित्रों संबंधित को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।